So excited about this video a lot, and like I'm recording this for second time. Actually, first time video record करके मेरे से डिलीट हो गई. So I hope देखिए वाली डिलीट नहीं होगी. So that's it. And first of all, thank you so much for the 500 subscribers. Like जब स्टार्ट किया था ना चैनल, सच में लगा नहीं था कि 10-15 सब्सक्राइबर्स भी होंगे, बट इट्स 500 सब्सक्राइबर्स नाउ. लाइक आई नो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट इट्स रियली मीन टू मी अ लॉट. एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी हु सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन माई चैनल. एंड ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इट्स इंट्रो टाइम. एंड बैक अगेन, इट्स मी. सो या सो बिगेस्ट अपडेट ऑन माई चैनल, आई गॉट प्लेस्ड. यस, आई गॉट प्लेस्ड बाय शापना. यस, बाय शापना, नॉट माई ओन. सो या आई गॉट टू इंटरव्यूज ऑन माई ओन ऑल्सो, बट आई डोंट गेट चांस देयर. सो या आई गॉट प्लेस्ड लाइक द कंपनी विच शापना प्रोवाइडेड रेफरल इन. सो दैट्स अपडेट. एंड ओके, सो कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं मैंने, लाइक आफ्टर फाइनल मॉक क्या क्या जर्नी रही, कुछ कुछ पॉइंट्स आई विल शेयर विद यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कहाँ प्लेस हुई हूँ और मैं कितने पैकेज पे प्लेस हुई हूँ, दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज बिकॉज ऑफ सम लाइक प्राइवेसी रीजन्स. ऑफकोर्स आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज दैट, बट आई कैन से दैट कि इट्स इट्स नॉट द लाइक कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेज नहीं है. कंपनी तो आई थिंक स्टार्टअप्स ही आ रही हैं सारी, तो उतना आपके लिए इतना मैटर नहीं करेगी. लगभग सेम कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज आ रही हैं मेनली. एंड बट पैकेज डिटेल्स में ये है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, उतना ही है जितना नॉर्मली एवरेज लोगों को मिल रहा है इस टाइम पे. ठीक है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. सो आई थिंक यू कैन गेस. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं. ठीक है, हाउ मेनी इंटरव्यूज आई गॉट और प्रिपेयर कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें फेस की, कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यूज़ का, फाइनल मॉक का था और एक इंटरव्यू, लाइक एक्चुअली कंपनीज में इंटरव्यूज का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो आई विल डिस्कस दैट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी इंटरव्यूज आई गॉट फ्रॉम शार्पनर, 7. एंड बाय माई ओन आई गॉट टू इंटरव्यूज बाय माई ओन, बट आई डोंट गेट सेलेक्टेड इन देयर. सो मोस्टली लाइक रेफरेंस फ्रॉम शार्पनर, 7 इंटरव्यूज इज थ्रू शार्पनर ओनली. ओके, सो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा था कि फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था, आई वॉज हैप्पी कि फर्स्ट राउंड क्लियर था. सेकेंड राउंड में क्लियर नहीं हुआ था एंड आई गॉट सो मच डिसअपॉइंटेड. फर्स्ट इंटरव्यू था, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे लगा था कि मेरा बहुत अच्छा गया, बट 7 इंटरव्यूज देने के बाद अब आई कैन से कि उतना भी अच्छा नहीं था कि लाइक सिलेक्शन हो ही जाता. और वैसे भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना इंटरव्यूज़ का, वो ऐसा रहा है कि जो जो कंपनीज में ना मुझे श्योरिटी थी ना कि इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, उस कंपनी में मेरा फर्स्ट राउंड भी नहीं क्लियर हुआ. सो इट इज़ लाइक नॉट एक्सपेक्टेड. तो इंटरव्यूज में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आपको लग रहा है कि लाइक आई एम सेलेक्टेड देयर. इवन इन वन कंपनी, मतलब जो इंटरव्यू मेरा ले रहा था ना, वो बहुत इंप्रेस था. लाइक उसने मेरे को सामने से चीज़ें बोलनी भी स्टार्ट कर दी थी, उससे मुझे कंपनी की डिटेल्स देनी स्टार्ट कर दी थी, हाउ एक्चुअली कंपनी वर्क्स, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी शुरू कर दी थी. इनफैक्ट जो DSA का क्वेश्चन पूछा था मेरे से, द वे आई अटेम्प्टेड इट, आई ऑप्टिमाइज इट, एक्चुअली द वे आई ऑप्टिमाइज इट, सो ही वॉज लाइक वेरी इंप्रेस्ड बाई इट. आई एक्चुअली टोल्ड मी दैट दिस इज अ वे, लाइक दिस इज द राइट वे यू आर डूइंग राइट नाउ. सो उसमें तो मुझे बिल्कुल कन्फर्म था कि या आई एम गेटिंग दिस ओवर, बट फर्स्ट राउंड में नहीं क्लियर किया, आई डोंट नो वाई. तो ये तो मतलब दिमाग से निकाल ही दो कि बहुत अच्छा हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होता यार. मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ है. और एक कंपनी ऐसी थी, मेरा एक्चुअली 7 में से 2 जगह सिलेक्शन हुआ था. ठीक है, और दोनों में सेम पैकेज था. और सो बेसिकली जो दूसरी कंपनी थी जो मैंने सेलेक्ट नहीं की, उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं आता. आई वॉज लाइक, क्योंकि ना बीच में ऐसा हो गया था कि मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 वीक इंटरव्यूज एक भी नहीं हुआ था बीच में. ठीक है, या शायद 2 वीक्स थे मे बी, तो एक भी इंटरव्यू नहीं हुआ था उस टाइम पे. तो मतलब थोड़ा सा एक वो होता है ना कि रिविज़न ही करनी छोड़ दी थी, तो उस टाइम में वैसा था. और वो एकदम से वो वाला इंटरव्यू आया था, मेरा सेकंड कंपनी जो मैंने नहीं सेलेक्ट की, उसमें इंटरव्यू आया था और उसमें मेरा इंटरव्यू बिल्कुल ही अच्छा नहीं गया था. और विद इन 15 मिनट्स आफ्टर द इंटरव्यू आई गॉट कॉल कि आई एम सेलेक्टेड देयर. ठीक है, बट बाद में नहीं हुआ वहाँ पे, मतलब सिलेक्शन हो गया था लेकिन आई डिडंट ज्वाइन दैट कंपनी. सो मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि जहाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था वहाँ सिलेक्शन हो गया, और जहाँ बहुत अच्छा हुआ था वहाँ पर फर्स्ट राउंड भी नहीं हुआ. तो सभी का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है यार, तो इतना टेंशन मत लेना कि अगर नहीं भी हो रहा लाइक
कहीं पे, तो इट्स ओके, हो जाएगा कहीं ना कहीं, टाइम लगता है. और कई कंपनी का प्रोसेस बहुत लाइक ऐसा होता है कि एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हफ्ता हफ्ता तक बताते भी नहीं है, फिर हफ्ते बाद आपको पता चलता है कि आप सिलेक्टेड हो सेकेंड राउंड के लिए, फिर उसके बाद शेड्यूल होता है. लाइक कई कंपनीज लिटरली 1 month भी ले लेती है पूरे प्रोसेस में, और कई कंपनीज में ऐसा भी होता है कि लाइक विद इन 3-4 days यू आर सिलेक्टेड, आपको ऑफर लेटर आ गया, मतलब विद इन 3-4 days एवरीथिंग इज डन. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन कंपनी कि क्या प्रोसेस है, कितना जल्दी कर रही है या कितना लेट कर रही है. तो इट्स दैट ओनली. तो ये चीज़ें रहती हैं यार प्लेसमेंट टाइम पे. तो अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो आई थिंक इतना टेंशन मत लेना, हो जाएगा प्लेसमेंट्स, दैट इज़ फॉर श्योर. और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, फाइनल मॉक में अगर आपने फाइनल मॉक क्लियर किया तो ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर लिया होगा, लेकिन बैकएंड का मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मोस्टली पूछी जाती हैं. वैसे एक चीज़ और नोटिस किया मैंने कि हर कंपनी का ना बहुत डिफरेंट होता है. लाइक किसी कंपनी में यह होता है कि DS से पूछ लेते हैं, अच्छा अच्छे वाला, ठीक है, लेकिन कहीं पे ऐसा होता है कि आपको मतलब DSA का IFLS पूछ लेंगे, मतलब इतना भी होता है, और कहीं पे बहुत अच्छा DSA भी पूछ लेंगे. मतलब बहुत अच्छे में मैं ये तो नहीं कहूँगी, हाई लेवल लिंग्विस्ट टाइप क्वेश्चन नहीं, बट ठीक ठाक पूछ लेते हैं यार. मतलब थोड़ा सा आपको उसमें माइंड लगाना पड़ता है, अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं, मीडियम लेवल कह सकते हो. मैं एक्चुअली एक कंपनी में पूछा था पर उसका पैकेज भी अच्छा था. तो मतलब इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो. तो थोड़ा सा कंपनी में इंटरव्यू जब आपका शेड्यूल होता है तो थोड़ा कंपनी के बारे में ना रिसर्च करके जाओ, ग्लास डोर जैसी वेबसाइट पे या कहीं पे भी आप नॉर्मली गूगल पे सर्च करोगे तो कई बार आपको मिल जाते हैं कि पहले इंटरव्यूज में इस कंपनी ने क्या पूछा है. तो वो एक पॉइंट है, आप देख के जा सकते हो, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के पूछते हैं क्वेश्चंस. और कहीं पे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड बहुत पूछ लेते हैं, लाइक बहुत इन डिटेल चल जाते हैं. कहीं पे नोड एक्सप्रेस पे ज़्यादा पूछ लेते हैं, और कई कंपनीज में प्रोजेक्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स का आपको इन डिटेल पूछ लेंगे कि आपने एक एक चीज़ लाइक कुछ इंटीग्रेट किया है, कुछ मेलिंग वाली सर्विसेज इंटीग्रेट किया है, या जैसे रेजर पे इंटीग्रेट किया है बैकेंड में एक एप्लीकेशन में, तो ये सब चीज़ें कैसे की. और वेब सॉकेट्स बैकेंड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट्स की से भी इन डिटेल काफ़ी अच्छा खासा पूछ लेते हैं कई कंपनीज में. तो ये रियली कंपनी पे डिपेंड है, आपको हर तरीके से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा. और एक चीज़ और मैंने आई थिंक किसी वीडियो में पहले भी बोली है कि बैकएंड में ना हमने SQL की जो कमांड्स है ना वो प्रोजेक्ट्स करते टाइम हमने सीक्वलाइज मतलब अपना उससे कर दिया है, बट एक्चुअली जो SQL की कमांड्स है, जॉइंस की, ग्रुप बाय, हैविंग, इन सब की प्रैक्टिस नहीं की. आई थिंक मैंने शायद ये लास्ट वीडियो में बोला था. तो SQL की कमांड्स इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं, तो SQL के कमांड्स के लिए मैंने लास्ट वीडियो में, मेरे को याद आ गया, मैंने लिंक दिया था, उस पर लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि SQL अच्छा खासा पूछते हैं ये, लगभग सारी कंपनीज में पूछेंगे ही. तो मतलब बेसिकली यही होता है, पूछते हैं सब कुछ, लेकिन कहीं कहीं कंपनीज में कुछ चीज़ इन डिटेल पूछ लेंगे, प्रोजेक्ट इन डिटेल पूछ लेंगे, DSA उतना नहीं पूछेंगे, तो वो रेशो ऊपर नीचे होती है. लेकिन आप यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट एवरीथिंग, लाइक प्रोजेक्ट, नोड एक्सप्रेस, और लाइक SQL, NoSQL. NoSQL में डिफरेंस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि SQL और NoSQL का अच्छे से डिफरेंस कर लो. NoSQL वैसे मैं से पूछा नहीं है आज तक अभी, बट मैंने सुना भी नहीं है कि किसी ने NoSQL में बहुत इन डिटेल कुछ पूछा हो कि कैसे काम करता है डोर, बट SQL की कमांड्स तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है. तो अगर NoSQL का पूछ भी लिया, वैसे तो एक प्रोजेक्ट किया है NoSQL से भी, बट स्टिल आप कह सकते हो कि लाइक आई हैव डन मोर प्रोजेक्ट्स इन SQL, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, तो वो आपको SQL कमांड्स पूछ लेते हैं. तो ये होता है. और क्या जावास्क्रिप्ट के आउटपुट क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो आउटपुट क्वेश्चंस हमने असाइनमेंट्स में भी किए हैं, और उसके अलावा भी, और गूगल पे सर्च करके देख लेना और भी आउटपुट क्वेश्चंस. और क्या पूछते हैं, या नोड में, नोड की तो थ्योरी है मेनली, ठीक है, हाउ नोड एक्चुअली वर्क्स बिहाइंड द सीन्स, ठीक है. और मैंने एक एक्चुअली डायग्राम प्रिपेयर किया था, मैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पर डाल दूंगी. आई वॉज थिंकिंग कि मैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपनी जो चीज़ें जो मैंने लाइक कुछ नोट्स वगैरह और कुछ चीज़ें ऐसी की हैं, आई विल पुट ऑन लिंक्डइन, ठीक है. तो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दे दूंगी मैं, फॉलो कर लेना, ठीक है. और सबसे बड़ा टिप मैं ये दे रही हूँ आपको, आप कहीं पे भी इंटरव्यू दे रहे हो, जावास्क्रिप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे, कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ पूछ ली आपसे, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ सिंपल से एग्जाम्पल दे देते हैं, ओके, फर्स्ट क्लास फंक्शंस, हाउ डू फंक्शंस, ठीक है. तो आपने एक्सप्लेन कर दिया थ्योरी, ठीक है, कि इट्स एबिलिटी टू ऑफ अ जावास्क्रिप्ट दैट इट कैन लाइक रिटर्न अ फंक्शन इन अ फंक्शन एंड इट कैन पास एज आर्गुमेंट, ठीक है, इट्स एबिलिटी ऑफ द जावास्क्रिप्ट एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड, ठीक है. सो आपने अपना आंसर एक्सप्लेन कर दिया, उसके साथ एग्जाम्पल दो. अगर सामने वाला एग्जाम्पल आपसे नहीं भी पूछ रहा है ना, यू हैव टू गिव इट. आप उसको सामने से बोल सकते हो कि आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, कैन आई शेयर माई स्क्रीन, और आप अपनी स्क्रीन पे उसको कोड करके दिखा दो, कुछ भी एग्जाम्पल, आप हर एक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल. प्रोमिसज असिंक अवेट बहुत पूछेंगे, याद आ गया मुझे बताना था, प्रोमिसज असिंक अवेट का लाइक बहुत अच्छे से पूछेंगे, तो उसको भी अच्छे से कर लेना. एग्जाम्पल्स
अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा. लाइक हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा तो ये एग्जाम्पल मैंने कोड करके दिखाना है वहाँ पे. ओके ओके व्हाट इज द मोस्ट आस्क्ड? लिटरली इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी. ठीक है तो सब कुछ कर लो यार, अच्छे से कर लो. लाइक कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड पूछ लेते हैं कई बार. यहाँ पे मैं एक टिप दे सकती हूँ आपको. आप क्या करो, नोड एक्सप्रेस, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल एंड प्रोजेक्ट्स एक लिस्ट बना लो. ठीक है, उसमें लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लो और उसके आंसर्स लिख के एग्जांपल्स के साथ लिख लो और उसी शीट को रिवाइज करते जाओ. अपनी एक पर्सनल शीट बना लो, उसी शीट को रिवाइज करते जाओ. जब भी आपका इंटरव्यू, आपको दो घंटे पहले भी बताएं कि आपका इंटरव्यू है तो यू आर रेडी टू गिव द इंटरव्यू. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको लगे कि दो घंटे में कैसे रिविजन होगी या समथिंग लाइक दैट. शीट बना के अपना प्रिपेयर करके उसी को रिवाइज करते जाओ. और मोस्टली जो आप शीट बनाओगे, जो आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे हैं या थोड़े बहुत और यूट्यूब वीडियोस में देख लो कि पर्टिकुलर लाइक एसक्यूएल के या फिर लाइक नोड एक्सप्रेस के क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, वो नोट डाउन करके अपने आंसर्स रेडी करके और वही रिवाइज करते रहो. ठीक है, तो यू विल गेट बेटर इन इंटरव्यूज इवेंचुअली. तो एक्चुअली यही हुआ था फर्स्ट इंटरव्यू में भी, मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ बट अभी लगता है कि या उतना भी अच्छा नहीं था. लाइक आफ्टर लाइक गिविंग 7 इंटरव्यूज आई कैन से कि आप इम्प्रूव कर जाओगे धीरे धीरे. ठीक है, हाउ मैनी इंटरव्यूज इन वन कंपनी? मोस्टली 2 इंटरव्यूज, बट कुछ स्टार्टअप्स कंपनी होती है उसमें एक इंटरव्यू में भी बोला जाता है आपको कि यू आर सिलेक्टेड एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस गोस. तो मतलब वही होता है कि यार कंपनी टू कंपनी डिफर करती हैं चीज़ें. ठीक है, बाकी हर एक का एक्सपीरियंस भी अलग होता है. कई जो एक्चुअली जो मैंने जिस कंपनी में मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, एक और कैंडिडेट शार्पनर से, उसने भी मेरे साथ ही फर्स्ट इंटरव्यू दिया था. उसका भी फर्स्ट इंटरव्यू था एंड ही गॉट सिलेक्टेड देयर लाइक विद इन अ वीक. तो ये चीज़ भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 महीने लगे जाएंगे, कईयों का फर्स्ट इंटरव्यू में भी हो जाता है लाइक. ठीक है, तो हर किसी का ना एक्सपीरियंस अलग होता है थोड़ा सा. तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, आई एम शेयरिंग दैट, इट डजेंट मीन कि यू विल ऑल्सो हैव टू गो थ्रू दिस एंड आपको भी 1.5 महीना लगे या 2 महीने लगे. हो सकता है आपका 15 डेज में भी हो जाए, डिपेंड्स. ठीक है, कुछ लक फैक्टर बहुत काम करता है इंटरव्यूज के टाइम पे, देखा है मैंने लिटरली, क्योंकि जहाँ मेरे को उम्मीद नहीं थी वहाँ हो गया. और तो थोड़ा सा लक फैक्टर लिटरली मुझे फील हुआ कि होता है इंटरव्यूज के टाइम पे. सो ओके, एक चीज़ हो रहा है, अगर आप फाइनल मॉक के बाद जब प्लेसमेंट्स में आते हो तो आपको प्लेसमेंट का डैशबोर्ड शो होता है. वहाँ पे अगर आप को लाइक कंपनी लोकेशन और पैकेज लिखा होता है एंड यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम देयर. अगर आपको ऐसा होता है ना कि लोकेशन का आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइक मोस्टली लोकेशंस क्या आती है, गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़, मोहाली कभी कभी आ जाती है. मेन लोकेशंस पुणे, मेन लोकेशंस यही हैं. तो अगर आपको लोकेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, तो इट्स लाइक बिग एडवांटेज फॉर यू. ठीक है, तो आपके थोड़ा सा इंटरव्यूज जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं और आपकी जॉब जल्दी लगने के चांसेस होते हैं. तो एक ये चीज़ है. और बाकी मेरी एक्चुअली लोकेशन प्रेफरेंसेस थी लाइक आई कैन अप्लाई इन नॉर्थ साइड ओनली, सो दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लगा मुझे ज़्यादा. तो अगर आप लोकेशन आई कैन से कि अगर आप बैंगलोर हैदराबाद साइड कर सकते हो ना अप्लाई, तो दैट्स अ विन विन. ठीक है, एक तो वहाँ के पैकेजेस अच्छे हैं कंपेरेटिवली और दूसरा पूरा आईटी लाइक हम वहाँ हैं. यहाँ पे भी है, नॉर्थ साइड भी है, दिल्ली एनसीआर भी है, बट स्टिल लाइक अगर आप साउथ साइड जा सकते हो तो टेक अ चांस आई कैन से. तो लोकेशन का अगर थोड़ा सा इशू है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए रेफरल्स में, बट अगर लोकेशन का इशू नहीं है तो जल्दी हो सकता है. और बाकी लक फैक्टर बहुत काम करता है. ओके, सो चीज़ें रिवाइज करने के अलावा जो मेन चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल टॉप नॉच होनी चाहिए बिल्कुल, और आपका रिज्यूमे, क्योंकि सभी ने सेम प्रोजेक्ट्स किए होंगे तो आपके सभी के सेम प्रोजेक्ट्स ही दिखेंगे रिज्यूमे में. कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी ऐड कर दो या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ प्रोजेक्ट बना लो. एक्चुअली मैंने भी एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट बनाया था, मेरे को वेब सॉकेट्स जब मैंने चैट एप्लीकेशन किए थे तो मुझे उतना अच्छे से वेब सॉकेट्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने वेब सॉकेट्स पे ही एक नया प्रोजेक्ट बना दिया था और उसको मैंने डिप्लॉय भी कर दिया था, तो लिंक भी दे दिया था मैंने रिज्यूमे में. सो रिज्यूमे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो कि आपका रिज्यूमे थोड़ा सा एक कुछ एक्स्ट्रा कर दो ऐसा कि थोड़ा सा अलग लगे. ठीक है, अगर थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज मिलने के बेटर चांसेस रहते हैं. सो और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो करो. वैसे लाइक मैंने भी काफ़ी जगह अप्लाई किया, मेरे को 2 इंटरव्यू कॉल्स मिल गई थी, बट स्टिल व्हाट आई कैन से कि जितना मैंने टाइम अप्लाई में लगाया बाकी जगह पे उतना रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि शार्पनर से मुझे ऑलरेडी 7 रेफरल्स मिल गए थे
बट बाकी जगह से इतने नहीं मिले. और शबना ने भी ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैंने आपको 7 रेफरेंस बोल दिए तो मेरे को लाइक बस मिल गए. क्योंकि पता है क्या सीन होता है कि बीच में ऐसा भी था कि 2 हफ्ते एक भी रेफरल नहीं आया, एक भी जगह सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू के लिए शेड्यूल नहीं हुआ. लेकिन एक हफ्ते में लास्ट जो वीक मैंने इंटरव्यू मतलब जिस वीक में मैंने सिलेक्शन हुआ मेरा, उस वीक में मैंने 3 कंपनीज के इंटरव्यूज दिए थे एक ही साथ. लाइक एक दिन एक था, फिर सेकंड, फिर लाइक ऐसे इंटरव्यूज दिए उस टाइम पे. सो एक ये चीज़ है कि थोड़ा सा मतलब ऐसे अप डाउन हो जाते हैं, डिमोटिवेशन फील होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. बट ठीक है, हो जाएगा, दैट आई कैन से. कहीं ना कहीं मुझे भी अश्योरेंस था कि हो तो जाएगा, लाइक थोड़ा सा लेट हो जाएगा बट हो जाएगा. या और मैं वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी फॉर्मेलिटीज थी कंपनी की भी. ऑफर लेटर आने में लगे 2-4 दिन, फिर उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो थोड़ा सा टाइम लिया मैंने श्योर होने में कि आई एम गोइंग इन दिस कंपनी. तो उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैंने टाइम ले लिया. बट अराउंड 1.5 मंथ्स के बाद जिस कंपनी में मैं फिलहाल जिसका मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया उस कंपनी में मेरा 1.5 मंथ्स के बाद इंटरव्यू हुआ था और विद इन 1 डे मेरे को मतलब बता दिया था कि यू आर सिलेक्टेड इन दिस कंपनी. सो ओके, सो मेनली यही टिप्स थी जो मुझे आपको देनी थी. आप चीज़ें बस बहुत अच्छे से करो. लाइक लिटरली मतलब मेरे को एक चीज़ ये लगी कि मैंने बाकी जगह जितना अप्लाई किया और जितना मैंने वहाँ टाइम वेस्ट किया, मैं उतना खुद को और ज़्यादा DSA में या और चीज़ों में खुद को और ज़्यादा बेटर कर सकती थी. तो इट डिपेंड्स ऑन यू यार. अगर आप ठीक है आपका रिविजन से और आपको लगता है इंटरव्यूज देखे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ वीक पड़ रहे हो. और अगर आपका बहुत अच्छा जा रहा है इंटरव्यूज, अगर आपको लगता है कि यू आर सेटिस्फाइड बट एवर यू हैव डन टिल नाउ और आपको बहुत ज़्यादा लाइक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, तो ठीक है अप्लाई करो, बाकी जगह प्रोफाइल्स बनाओ. लाइक मिलते हैं इंटरव्यूज. एक्चुअली मेरा तो थोड़ा सा ये भी इशू रहा है ना कि बैकग्राउंड मेरा डिफरेंट था और कुछ लोकेशन प्रेफरेंसेस भी थे और तो भी शायद मुझे इंटरव्यूज और फ्रेशर थी तो मे बी इंटरव्यूज मुझे इतने नहीं मिले लाइक बाहर से भी. तो अगर आप CS बैकग्राउंड से हो तो आई कैन से कि बाहर से भी अच्छा खासा अप्लाई करो, मिल जाते हैं CS वालों को आई गेस. ठीक है ओके, सो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार कमेंट्स में कुछ. ठीक है ओके, सो मैंने वीडियो नहीं डाली थी लेकिन मैंने पोस्ट डाल दिया था जिस दिन मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया था एंड आई वाज श्योर कि यस आई एम गोइंग इन दिस कंपनी. तो उस दिन मैंने पोस्ट डाल दिया था गुड प्लेस, बट आई थिंक कुछ लोगों ने वो पोस्ट मिस कर दिया एंड आई कैन सी द कमेंट्स. एंड ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पोस्ट पे काफ़ी सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड लाइक लिटरली समटाइम्स ना यू गाइज मोटिवेट मी अलॉट. इंस्टा पे काफ़ी सारे लोगों के कई बार बहुत बहुत अच्छे वाले मैसेज आते थे जो मुझे एक्चुअली जर्नी में बहुत हेल्प किए. ठीक है, कहीं पर मैं डिमोटिवेट भी हुई हूँ बहुत बार कि नहीं हो रहा एंड ऑल, एंड आई शेयर दैट ऑल्सो. एंड यू गाइज लिटरली मोटिवेट मी एवरी टाइम आई गॉट लाइक डिसअपॉइंटेड और डिमोटिवेटेड. So it's very emotional journey for me. It's like I changed my whole career in this. So thank you so much for every good wishes you have given me. So okay. Akash ne bola hai, congrats Nana, and can you tell us in the upcoming video what they teach in backend course apart from DSA and Node.js? Okay, so there is a lot actually, Node.js, Express, and इट्स जस्ट नॉट अबाउट टेक्नोलॉजीज. जब आप प्रोजेक्ट्स करोगे ना तो प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें यू विल गेट टू नो अबाउट इन द बैक एंड, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड डेटाबेसिस. ऑफ कोर्स डेटाबेस इज अ बिग थिंग एंड यू विल गेट अ चांस टू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट ऑन AWS ऑल्सो. सो देर इज अ लॉट इन बैक एंड कोर्स. ओके ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ओके मोहम्मद अरजाफ, सॉरी अरफास, दैट्स ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई एम ऑल्सो शार्पनर एंड रिसेंटली फाउंड योर चैनल. आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. What about you? I can say I also came from commerce background and then I changed my career and then again I changed my career. So, okay. Okay, I've also done like BCom. So, and after that I have done LLB. So, I'm technically a lawyer also. Can you please also tell me about your projects in the videos? Okay, ek project already maine video mein explain kar diya tha. So, you can check that out and baaki ke projects maine LinkedIn profile mein dal diya hai. GitHub link भी डाल दिया तो यू कैन चेक इट देयर ऑल्सो. बट प्लीज कॉपी मत करना प्रोजेक्ट. मतलब अगर मतलब मुझे तो कुछ नहीं जाएगा कॉपी कर लोगे तो, बट वही है कि आपको खुद से करोगे तो लाइक ज्यादा समझ में आएंगी चीजें. ओके, वेटिंग फॉर द वीडियो. प्लीज मेक अ वीडियो प्लीज मुझे नहीं. थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस 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 कॉन्ग्रेट्स. थैंक यू थैंक यू.
And okay, if I select front end and after completing the front end course, can I learn back end from the Sharpener also? Yes, you can. I'm also thinking about learning front end from the Sharpener. Okay, Didi, kitne ka package laga batao and congrats. Package maine bata diya, normal jitna average lag raha hai sabhi ka, utna hi hai mera bhi almost. So bahut up down nahi hai. So aur projects sabke liye same hote hain? Yes, projects sabke liye same hote hain. Akash, placements are not going good right now. That I can say कि placements comparatively अच्छी नहीं है, market की situation अच्छी नहीं है. मैंने last video में बोला था कि थोड़ा compromise ही चल रहा है फिलहाल, like literally market सही नहीं चल रही है. We can see that. ठीक है, तो और कुछ processing time भी कई companies का बहुत ज़्यादा हो रहा है कि literally 15 days बाद reply कर रहे हैं या something like that. ये चीज़ें भी हो रही हैं. तो that I can say यार situation तो इतना अच्छा नहीं है. Hey, can you suggest me? I'm doing job, so can I choose this course as a part-time or not? Part-time you can choose, you can do side by side, but make sure ki you will put your 100%. Any update of your placement? I already given. Does it provide remote job interviews? Yes. पहले जब मैंने start किया था, like in the first 2-3 weeks मेरे को remote jobs कितना नहीं दिखे थे, but उसके बाद से remote jobs के काफी like दिख रहे हैं placements में companies. So कंपनीज है रिमोट जॉब्स की भी, अब हैं, पहले नहीं थी अब हैं. बट क्या शार्पनर वाली डिग्री आने के बाद ही प्लेसमेंट में बैठने देते हैं या फिर फाइनल ईयर वालों को भी चलता है आई गेस फाइनल ईयर वालों को, बट एक बार कंफर्म कर लो यार. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. यहाँ पर डीएससी कौन सी लैंग्वेज में कराया जाता है, प्लीज लेट मी नो बिकॉज आई वॉन्ट टू ज्वाइन शार्पनर. ओके, लाइक वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट टू, तो इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू वन लैंग्वेज ओनली, but I can suggest you JavaScript. Okay, so I think I have covered a lot of comments, and mostly the comments are about any update on placement. Okay, so that's it. Yeah, I have placed, and let's see how it goes. Okay, so now I'm planning a lot for this channel. I have shared my whole journey with the Sharpener, and I'm already planning my next thing which I'm gonna do. So I will share that in upcoming videos. Like now this, after this, how to upskill. Okay, so I am now literally concentrating. As a fresher, I got the job, and now I am concentrating on the job and also upskilling myself. Whatever I will learn, I will share the resources, and I will guide you through the path which I am going through. And let's stay connected even after the Sharpener journey. And I am excited actually now that I will share a lot of content now here, and the most amazing content I'm excited about to share with you is about the AI and stuff. That's really interesting in the market right now. I am going through a lot of AI related stuff. I'm going through a lot of research about AI related stuff, and I'm actually interested in that also. So also I will discuss that about everything in next video. So I'm planning to just give my best on this channel, so stay connected, and hopefully you like my journey with Sharpener, and we will continue with my next upskilling journey. So stay connected, have fun, happy coding, and bye bye, take care.